गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर और आंध्र प्रदेश का सेंट्रल ट्रैवल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था महिमा धर्म भीम भोई और अपेक्षित साहित्य। इसी महिमा धर्म और संत भीम भोई के ऊपर आधारित 8 वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्री बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हैं। आप इस वीडियो में उनके पेंटिंग को देख पाएंगे। बहुत ही बारीकी से और अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं को पेंटिंग के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए, इस पेंटिंग को आप मॉडर्न पेंटिंग भी कह सकते हैं। महिमा धर्म शांति का प्रतीक माना जाता था और ज्ञान की प्राप्ति का ये संकेत इन्होंने पेंटिंग के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। और ये हैं भीम भोई, ये देख सकते हैं, ये जो भीम भोई का पेंटिंग है, आप यहाँ जितने भी पेंटिंग देख रहे हैं सभी कैनवास पेंटिंग है और एक्रिलिक पेंट आप कह सकते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 आँखें होती हैं, लेकिन तीसरी आँखें उसे कहते हैं जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब आंतरिक शक्ति हमें मिल जाती है तो हम उस आँखें से पूरा विश्व को हम देख सकते हैं। और ये जो ताल के पंखे आपको दिख रहे हैं, ये है महिमा धर्म का प्रतीक है। और महिमा धर्म जो भी ग्रहण करते हैं वे इसी तरह के वेशभूषा में होते हैं, वे कभी बाल नहीं काटते हैं। और आप देख सकते हैं इस पेंटिंग को, मतलब कितना सुंदर और बहुत ही बारीकी से बनाने का प्रयास किया है। सभी आर्टिस्ट ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाया है। और ये मंदिर है, और कहा जाता है कि महिमा धर्म के जितने भी जो भी ग्रहण किए हैं, महिमा धर्म ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा के वे विरोधी भी हैं, क्योंकि वे ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं और मूर्ति पूजा को विरोध करना चाहते हैं। वो कभी भी मूर्ति को पूजा नहीं करते। और ये पेंटिंग आप देख सकते हैं कि तालपत्र के ऊपर ओम बनाया गया है, और ओम बनाने का कारण यही है कि ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें शांति मिलती है। और ये देखिए, ये जो कमल का फूल बनाया गया है ये भी शांति का ही प्रतीक है। और महिमा धर्म हमेशा मन की शांति को ही पूजा मानते हैं। कहा जाता है कि महिमा धर्म जो भी ग्रहण करते हैं वो गृह त्यागी बन जाते हैं और इस संसार के मोह माया से दूर हो जाते हैं। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये भी मॉडर्न पेंटिंग ही है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर से और बहुत ही बारीकी से दर्शाने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि महिमा धर्म जो भी ग्रहण करते हैं उनका जीवन यापन सामान्य लोगों के जीवन यापन से भिन्न होता है। ये देखिए, ये रियलिस्टिक पेंटिंग लग रहा है, और ये गेरुए रंग का वस्त्र पहनते हैं महिमा धर्म में जो भी ग्रहण करते हैं, और उनका जीवन यापन, खान पान, रहन सहन सब सामान्य लोगों से अलग हो जाता है और वे प्रकृति प्रेमी कहलाते हैं। वे पहले प्रकृति में रहना पसंद करते थे और अभी भी इसी तरह से अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ये मेरा पेंटिंग है, और पहले इसी तरह जंगलों में कुटिया बनाकर रहा करते थे और शिक्षा भी इसी तरह अपने गुरु से लिया करते थे। नमस्ते मैम, और आपने ये जो पेंटिंग बनाए हैं ये संत कवि भीम भोई जी का है, और ये बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा है ये पेंटिंग, आप देख सकते हैं। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए या फिर इसके पीछे, मतलब ये कौन से मतलब तरीके से बनाया गया है ये पेंटिंग, आप देख सकते हैं। तो आइए इस पेंटिंग के बारे में जानते हैं वंदना मैम से। नमस्ते, मैं वंदना पंडा। अच्छा, ये पेंटिंग भीमा भोई के ऊपर, ये पेंटिंग भीमा भोई के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं भीमा भोई का ओरिजिनल पिक हमको अवेलेबल नहीं है, तो हमारे वर्कशॉप एक हुआ था जिसमें हमको बोला गया था कि भीमा भोई के ऊपर पेंटिंग करना है, और मैं ये चूज़ की क्योंकि उनका स्कल्पचर है, बनाया हुआ है, और उसी को ही हम अगर कॉपी करते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि उनका ओरिजिनल पिक अभी अवेलेबल नहीं है। ये सबसे यूनिक पेंटिंग लग रहा है, तो इस पेंटिंग के विषय में क्या कहना चाहते हैं, और ये पेंटिंग कौन सा पेंटिंग है? भीमा भोई हमको टॉपिक मिला था, और भीमा भोई का मतलब मुझे ये लगा कि शांति का प्रतीक।
तो इसीलिए मैं, पद्म है हमारा शांति का प्रतीक, तो पद्म को मैं रखी हूँ। और भीमा भोई ने पोथी लिखा था, पोथी को मैं मिडिल पे रखी हूँ। और उनको जो ज्ञान मिला था ऊपर से, जो एक मतलब लाइटिंग मिला था, वो मैं इसमें दे दी हूँ बस। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षित साहित्य के ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं भी हुए, जिसमें अनेक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री भी भाग लिए और उन्होंने अपना विचार भी प्रकट किया। इस पेंटिंग के अंदर एक कलाकार ही जान सकता है कि ये पेंटिंग कौन सा पेंटिंग है और किस प्रकार से बनाया गया है। तो आपने ये पेंटिंग जो बनाए हैं, कौन सा पेंटिंग है और इसके अंदर आपने क्या चीज़ दिखाने का प्रयास किया है? हेलो, मेरा नाम अनन्या विश्वकर्मा है। और जैसे कि टॉपिक दिए थे महिमा धर्मा और भीमा भोई, तो मैंने महिमा धर्मा के ऊपर पेंटिंग बनाया है। और इस पेंटिंग में मैंने सिंबल यूज़ किया है महिमा धर्मा के, जो महिमा धर्मा को पालन करते हैं उनको दिखाया है इसमें। और उनका जो सिंबल है ये दिखाया है। और महिमा धर्मा को जो फॉलो करते हैं उनको मैंने बैक साइड में दिखाया है, काफ़ी कम तरीके इसमें, और काफ़ी टेक्निक यूज़ करके इसको मैंने बनाया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये पेंटिंग बनाए हैं, ये मुझे लग रहा है कि सभी जितने भी आप चित्र के द्वारा अंकित किए, सभी कुछ ना कुछ प्रतीक का बनाए हैं आपने चित्र, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जो ये पेंटिंग बनाई हूँ, जैसे हमारा टॉपिक था भीमा भोई और ये धर्म के बारे में, उनके धर्म के बारे में, तो ये जो सिंबल्स हैं सिंबल रिप्रेजेंट्स ऑल द एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी, 7 एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी, एंड लोटस इज़ द सिंबल ऑफ पीस। पीस को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि भीमा भोई एक संत कवि थे, तो उनका ये लोटस हमारा शांति का प्रतीक है। और ये एनर्जी सेंटर्स के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये टॉपिक था हमारा भीमा भोई के ऊपर। तो ये जो भीमा भोई शांति का प्रतीक होते हैं, तो ये जो ओम है वो उनको मतलब शांति का प्रतीक देते हैं, क्योंकि इस ओम हम उच्चारण करने से वाइब्रेशन का साउंड होता है, तो उससे पीस होता है। तो और उनको जो ब्राइटनेस मिला था, मतलब वो ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। और उनका अम्ब्रेला जो उनका साइन रहता है हमेशा, तो ये वाला उनका अम्ब्रेला है। और ये पीछे सब मतलब ऐसे ब्राइटनेस मिल रहा है उनको, तो वो वही साइन कर रहा है, सिंबल है उनको। सेमिनार के सेकेंड डे में जीएमयू के ऑनरेबल भीसी सर प्रोफेसर एन नागार्जुन के द्वारा यंग आर्टिस्ट को सम्मानित किया गया। यंग आर्टिस्ट के टैलेंट को लोगों के सामने लाने के लिए, मंच पर प्रदर्शित करने के लिए और इतना अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम सभी यंग आर्टिस्ट के तरफ से गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। क्योंकि जब नए साल की शुरुआत एक कलाकार के कलाकारी से होती है, तो उससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय, मंगलमय और आनंदमय हो। 2024 का साल अच्छे से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।